हेलो फ्रेंड्स, रिवर्ट हेयर क्लिनिक यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर अमित सिंह हूं, मैं एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूं और पिछले 8 साल से हेयर ट्रांसप्लांट और बाकी हेयर लॉस ट्रीटमेंट करता हूं। आज मैं इस वीडियो में आप जो रिवर्ट हेयर क्लिनिक जो हमारा क्लिनिक है, अगर यहाँ आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं तो आपको बाकी क्लिनिक्स के कंपैरिजन में क्या एडवांटेज है, उस बारे में कुछ डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ट्रांसप्लांट अगर आप हमारी क्लिनिक रिवर्ट में कराते हैं तो सबसे पहले तो ट्रांसप्लांट सेफ तभी माना जाता है अगर एक क्वालिफाइड डॉक्टर से आप कराते हैं। तो सारे हेयर ट्रांसप्लांट मैं खुद करता हूं, मैं एक रजिस्टर्ड सर्जन हूं और पिछले 8 साल से एक्सक्लूसिव हेयर ट्रांसप्लांट कर रहा हूं। जो मेरा स्टाफ है वो भी परमानेंट है, जो अगर हमारी क्लिनिक पे 1000 हेयर ट्रांसप्लांट हो रहे हैं तो सारे केसेस में मेरा जो असिस्टेंट होते हैं वो सेम है, क्योंकि मेरा स्टाफ परमानेंट है। मेरे 2 क्लिनिक्स हैं, देहरादून है और रुड़की में भी मेरा क्लिनिक है। तो दोनों क्लिनिक्स पे सारे ट्रांसप्लांट मैं खुद करता हूं और जो मेरा स्टाफ है वो परमानेंट स्टाफ है। जो हमारा ऑपरेशन थिएटर है, क्योंकि मैं एक सर्जन हूं तो हमारा जो ऑपरेशन थिएटर है जहां हेयर ट्रांसप्लांट होता है वो फैसिलिटी वाइज बिल्कुल कंप्लीट है और एडवांस फैसिलिटी के साथ है। जो टेक्निक हेयर ट्रांसप्लांट में हम यूज करते हैं उसको फेदर टच टेक्निक कहते हैं, जो DHI टेक्निक का ही मॉडिफिकेशन है। DHI डायरेक्ट रूट इम्प्लांटेशन आज की तारीख में हेयर ट्रांसप्लांट की सबसे एडवांस टेक्निक है। रिवर्ट में हम इसी टेक्निक को यूज करते हैं, इसके सबसे अच्छे रिजल्ट माने जाते हैं। एक एडवांटेज और हमारे यहां जो आपको मिलता है कि मैं पूरे दिन में सिर्फ एक केस करता हूं, तो जो जो मेरा जो जो कॉन्सेंट्रेशन है और जो मेरा स्टाफ है वो एक पेशेंट सेंट्रिक हो रहता है। तो हम जो रिजल्ट वाइज, क्योंकि अगर हम मल्टीपल केसेस एक दिन में करने की कोशिश करेंगे तो जो एफिशिएंसी और जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं जो है फॉल्टर करेगा। तो हम सिर्फ एक केस पर डे करते हैं। जो फॉलोअप है पेशेंट ट्रांसप्लांट के बाद, जो ट्रांसप्लांट का रिजल्ट आने में 8 महीने से लेके 1 साल लगता है, तो सारे जो फॉलोअप विजिट होते हैं वो मैं खुद पेशेंट का देखता हूं। जो हम पोस्ट ऑपरेटिव बाद में फॉलोअप में PRPs या कोई भी ट्रीटमेंट देते हैं, सारे ट्रीटमेंट मैं खुद अपने आप करता हूं, ठीक है। और जो एक सबसे बड़ा, जो पेशेंट्स हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं उनके लिए एक सबसे बड़ा जो एक हिंड्रेंस होता है, वो हमसे ये सवाल पूछते हैं कि अगर सपोज मैं ट्रांसप्लांट कराता हूं और 1 साल के बाद जो मेरा रिजल्ट है वो बहुत अच्छा नहीं आ पाता है, तो उस केस में मेरा क्या होगा। तो हम इस सवाल का जो पेशेंट को जो एक सेटिस्फैक्शन के लिए देते हैं वो हम ये कहते हैं कि सपोज अगर ऐसी कंडीशन होती है कि जो रिजल्ट है वो जो बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है ओवरऑल रिजल्ट में, तो हम 1 साल के बाद आपका जो एक प्रोसीजर जो हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर है वो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। तो आपको एक कॉन्फिडेंस देने के लिए कि आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। वैसे तो हमने, जैसे मैं पिछले 8 साल से हेयर ट्रांसप्लांट करता हूं, कभी हमें दोबारा जो है ट्रांसप्लांट करने की जरूरत तो नहीं पड़ी है, लेकिन फिर भी एक एश्योरेंस के एक मोड में हम पेशेंट को ये जो है एश्योरेंस देते हैं। आपको हेयर ट्रांसप्लांट या बाकी हेयर लॉस ट्रीटमेंट से रिलेटेड अगर कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे से चाहिए तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक बटन भी दबा दें जिससे ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और कोई स्पेसिफिक सवाल अगर आपको इससे इस टॉपिक से रिलेटेड हमसे चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप पे आप वो क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। दिस इज डॉक्टर अमित सिंह साइनिंग ऑफ।